कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला किया और उनके संस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनके संस्कार हैं जो भारत की संत परंपरा को माफिया कहते हैं। गुंडागर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि अगर कोई सपा का सही चेहरा देखना चाहता है तो उसे भदरसा में सपा नेता मोइन खान के कृत्य और कन्नौज में नवाब सिंह यादव द्वारा की गई हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 2017 से पहले की सपा सरकार को याद करते हुए कहा कि उस समय यूपी में अराजकता का माहौल था, महिलाएं असुरक्षित थीं और गुंडा टैक्स लेने वाले लोगों के सामने सरकार के लोग नतमस्तक रहते थे। इससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई खास अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद गुस्से में है और प्रदेश को एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक दिल और दिमाग वाले लोग केवल विनाश ही कर सकते हैं, विकास नहीं। वहीं अखिलेश के मठाधीश वाले बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उनके बयान का विरोध देखने को मिला। इससे साफ है कि यह मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक भी बनता जा रहा है। ये विवाद यूपी की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। सीएम योगी का बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि वे सपा के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं और किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये राजनीतिक शोरगुल आगे चलकर क्या रूप लेता है और किस पार्टी को इसका अधिक लाभ मिलता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।